बताएगा, क्योंकि आप खुद जो सीएचएस में पढ़े हैं वही लोग पढ़ाते हैं। तो एसिड बेस पढ़ेंगे। देखो साइंस में काफी जो पहले वाले चीजें सब लोग तुम रिवाइज कर रहे हो ना, तो यहाँ पर जिसका टेस्ट में बिना चीटिंग के, बिना कुछ ड्रामा किए हुए ना, बिना किसी से पूछे हुए, जिसके 50 में से 40 मार्क्स आते हैं, तो 6th में तो नहीं लेकिन 9th में उसका सिलेक्शन मतलब कंफर्म है। क्योंकि तो 9th का कभी भी कट ऑफ, 9th का कट ऑफ कभी भी सीएचएस में 75+ नहीं गया है, ठीक है, कभी भी। हाँ आप करना है, आप सब टॉप करोगे, ठीक है। हाँ केवल जो जो नोट्स है उसको पढ़ाते रहना, जो नोट्स में से सवाल आएगा, पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से सवाल आएगा, तो उसको भूल के भी गलती नहीं करना है, ठीक। तो आज एसिड बेस बता देंगे, इससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा आता है एसिड बेस। तो एसिड बेस 7th में की बुक में भी है, इसलिए भी आता है। 7th में है ना एसिड बेस, 7th की बुक में एसिड बेस, तो इसलिए एंट्रेंस में बार बार आता है। तो ये जो एसिड बेस है, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा जानते होंगे आप लोग कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो एसिड जो होते हैं, पहले तो जनरल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कोई केमिकल ये सब, H+, OH- ये सब से उतना नहीं मतलब है, तो इनिशियली है। तो देखो जो एसिड होते हैं कैसे उसमें टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है, ठीक है। एसिड जो होते हैं कैसे उनका टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है। और पीएच के बारे में मैंने बताया हुआ था, एसिड का जो पीएच होता है, तो पीएच रेंज मैंने बताया हुआ था ना, पीएच रेंज, पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, मैंने कई बार बताया पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14। और बीच में क्या होता है, बीच में जो पीएच जो 7 है, ये क्या होता है, 7 पे न्यूट्रल, ठीक है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा है, अगर 7 से ज्यादा या 14 से कम, मतलब 7 to 14 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बेसेस है, ठीक है, सारे बेस इनका पीएच। और जो एसिड है ना, उनका पीएच 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, इसमें सारे एसिड्स आ जाएंगे। तो आप लोग दो चीजें याद रखना है कि एसिड का जो पीएच होता है 7 से कम होता है, और जो बेस होते हैं उनके जो पीएच होता है 7 से ज्यादा होता है। जो 7 जिसका रहता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है ना, एसिड होता है ना बेस होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब एक बताओ, जो वाटर है एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। हाँ जनरली जो अपना नॉर्मल वाटर है कैसा है, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, एसिड है ना बेस है। हाँ तो एसिड और बेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें और बात ये याद रखना है कि जो एसिड होते हैं उनको पानी में डालने पे, यानी वाटर में डालने पे, वो डिसोसिएट होके क्या कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन्स, ठीक है। एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन्स, ठीक है, आफ्टर आफ्टर डिजॉल्विंग, डिजॉल्विंग बोलो, डिजॉल्विंग और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन्स, ठीक है, H+ आयन्स। अब ये ज्यादा नहीं जानना है कि H+ आयन्स क्या होते हैं, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को उससे मतलब नहीं है। और जो बेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो बेस होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं पानी में डिजॉल्व होने के बाद, ठीक है, OH- आयन, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देख लो एसिड है, जैसे यहाँ पे बनाया गया है ना कि यहाँ पे क्या है, ये लेमन है, ठीक है, क्या है, ये लेमन है। तो देखो इस पे H+ आयन है, और जो यहाँ पे जो ये है आपका OH- है जो बेस है, ठीक है। तो जैसे आप बताओ सोडा क्या है, सोडा जो होता है, सोडा क्या है, एसिड है कि बेस है, सोडा, सोडा बताओ, सोडा बेस है, ठीक है, सोडा बेस है। तो बेसेस है जो बेस होते हैं ना, बेसेस है बीटर टेस्ट, कड़वा उनका टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, 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 हाँ सॉर टेस्ट होता है इनका। तो थोड़े खट्टे टाइप के होते हैं, जैसे अब इसी से सोचो कि कोई पूछेगा कि
जो आपका लेमन है कैसा है, एसिड है कि बेस है, तो ये एसिड है। कोई पूछेगा ऑरेंज जूस क्या है, एसिड है कि बेस है, तो कैसा होगा? हाँ एसिड है। फिर कोई बोलेगा कि अभी कुकुम्बर है, खीरा है, आप देखते हो ना थोड़ा कड़वा लगता है, तो क्या है वो? एसिड नहीं रहता है उसमें, बेस रहता है। ठीक है। जो अपना जो साबुन है वो क्या है, एसिड है कि बेस है? बेस है। ठीक है, स्लाइटली बेसिक है। जो अपना सॉप है वो बेसिक है, और तो अब जो पानी है वो न्यूट्रल है। तो इतना काफी है आप लोग को जनरल प्रॉपर्टी के लिए, और फिर आगे अब देखेंगे इन लोगों के प्रॉपर्टीज क्या हैं, और सब चीज आप लोग समझोगे कि एसिड के एग्जांपल्स क्या हैं, क्या क्या। देखो तो एसिड्स, तो एसिड इज ए सब्सटेंस दैट रिलीज एच प्लस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब, एक्वस मतलब, एक्वस एक्वा मतलब पानी। ठीक है, मैंने बताया था ना, एक्वा मतलब पानी। एक्वस मतलब क्या, जो पानी, जो पानी में अगर सोल्यूशन बनेगा एक्वस सोल्यूशन, तो डिसोसिएट होकर, अभी जैसे मैंने बताया क्या ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, एसिड जो होंगे एच प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एच प्लस आयन, यहाँ पे एच नहीं आयन लिखते हैं तो ऊपर रहता है, पीडीएफ में गलत है। ठीक है, तो एच प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, एक्वस मीन्स वाटर। तो देखो क्या होता है इसमें, जैसे देखो अभी जैसे HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? HCl। ठीक है, तो HCl को क्या करोगे आप, अगर इसमें वाटर में डाल दोगे, H2O में डाल दोगे, पानी में डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें दो आयन्स में टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन आयन आयन बनेगा और एक हाइड्रोजन आयन बनेगा। ठीक है, एच प्लस आयन बनेगा। ठीक, यही जो एच प्लस आयन है ना, तो यही पहचान है एसिड की, यही पहचान है, क्योंकि जो भी एसिड एक्वा सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, एच प्लस आयन रिलीज करते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे बेस रहता तो क्या रिलीज करता है, यहाँ पे ओ एच माइनस आयन रिलीज करता है, एच प्लस नहीं करता। ठीक है, हाँ। तो आपने कल पूछा था ना कि कौन सा इसमें कंडक्टर है, तो जितने भी देखो कोई भी आयन रहेगा, कोई भी चार्ज रहेगा, तो एसिड बेस जितने भी होते हैं, तो पानी जो अपना है, जो अपना वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कि नहीं? नहीं है, कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा भी कंडक्ट नहीं करता है डिस्टिल्ड वाटर में। लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर में आप एसिड डाल देते हो, बेस डाल देते हो, तो क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्या रीजन होता है, क्योंकि तो उसके पीछे यही रीजन है कि जैसे ही आप एसिड डालोगे उसमें एच प्लस आयन बन जाएगा, चार्ज हो गया। अब जब चार्ज पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, और जैसे भी आप उसको मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहीं से उसको वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड करोगे, तो क्या हो जाएंगे, चार्ज का फ्लो होगा। जब चार्ज का फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, तो क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और बेस भी कंडक्टर होंगे, क्योंकि जितने भी आयंस रहेंगे ना, आप जैसे देखो करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब सिंपली क्या है, कल पूछे थे इसलिए बता रहा हूँ, इसमें नहीं है। करंट का मतलब क्या है कि अब देखो आप तार आप कनेक्ट करते हो ना, दो साइड में दो दो पिन होता है, सभी प्लग्स में दो पिन होता है ना, तो क्या होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, उन दोनों वायर के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है। क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो आप देखो जैसे आप पानी में अगर एच प्लस आयन ज्यादा है, या कोई भी आयन है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, तो और जैसे आप यहाँ पे आप चार्ज यहाँ पे लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो पॉजिटिव वाले चार्ज माइनस के साइड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सभी के सभी माइनस साइड में फ्लो करने लगेंगे ना। हाँ, और जब कहीं भी जब चार्ज का जो फ्लो होगा, तो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, मैंने एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है, वही ना करंट होता है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है करंट, हाँ कोई भी जरूरी नहीं है कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोटॉन के भी फ्लो से हो सकता है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल के फ्लो से हो सकता है, वेदर इट मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आप बताओ कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा बीटा रेज क्या होती हैं, ये सब जो चीजें आप लोग, अल्फा क्या होता है,
अल्फा अल्फा रेज आर डबली चार्ज हीलियम आयन, ठीक है, हीलियम पे डबल प्लस रहता है, ठीक है। तो पूछेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है, तो अल्फाज आर डबली चार्ज हीलियम आयन, ठीक है, डबल पॉजिटिव चार्ज। जैसे हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज है, वैसे हीलियम पे दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, अल्फा। जैसे आप लोग देखा है ना कि अल्फा बीटा, अल्फा बीटा एंड गामा, हाँ ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है, आप लोग के समझ में आ गया ना कि चार्ज कैसे फ्लो होता है। हाँ, तो जो अल्फा और जो बीटा रेज है वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल से, गामा जो रेज है वो न्यूट्रल होती है। तो अल्फा रेज बीटा रेज क्या प्रोड्यूस करती हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल से, और जो बीटा रेज है न्यूट्रल है, तो बीटा के कितने भी फ्लो होने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जनरल बातें हैं, बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, इतना आपको नहीं पढ़ना है। तो देखो एसिड आप समझ गया ना, एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है बताओ, एसिड के प्रॉपर्टी में आप क्या सीखे हो, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर टेस्ट होता है। फिर सीखे हो कि एच प्लस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं पानी में, ठीक है ना। हाँ, तो यही दो मेन है। एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो देखो, तो एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर द कंपाउंड सेपरेट्स इनटू द क्लोरीन आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ये मैंने अभी आपको बता दिया। फिर अब एसिड में दो टाइप के एसिड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो नाम से ही आप लोग समझ रहे हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, वीक एसिड कौन होगा, आप समझ रहे हो ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, जो ज्यादा एच प्लस आयन्स देंगे वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि एच प्लस आयन देना ही ना, इक्वल सॉल्यूशन में जाके एच प्लस आयन्स देना ही तो क्या हो गया, एसिड का उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो ज्यादा डिसोसिएट होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। जो 100% जो डिसोसिएट होंगे पानी में डालने के बाद वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जो 100% जो डिसोसिएट नहीं होंगे वो कैसे होंगे, वो वीक एसिड होंगे। जैसे आप देखो, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसको पानी में डालोगे ना, तो ये पानी में इसको डालोगे जैसे, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये मतलब इतना ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड है कि ये लगभग इसका आयनाइज पूरा, इसका जो हाइड्रोजन है ना, दोनों सब के सब आयनाइज हो जाएगा। तो एच प्लस एक और निकल जाएगा, एच प्लस एक और निकलेगा एक ही में, और फिर एक हो जाएगा H2SO4 का डबल माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक अगर डालोगे ना, तो देखो यहाँ पे स्ट्रांग है, क्योंकि जितने H2SO4 है ना, कि सारे के सारे इस एच प्लस आयन्स में और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे। और कुछ एसिड हैं जैसे जो वीक एसिड हैं, जैसे मान लो वीक एसिड में अभी बताएंगे, तो वीक एसिड में जैसे कार्बनिक एसिड है, ठीक है, H2CO3, तो उसको डालोगे ना, तो पूरा जो कार्बनिक एसिड है पूरा एच प्लस आयन्स में डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ कार्बनिक एसिड डिसोसिएट होगा, कुछ नहीं डिसोसिएट होगा, उससे पहले इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद करना है कि कौन सा स्ट्रांग एसिड है। तो मैं कुछ लिस्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उन लोगों को स्ट्रांग एसिड समझना। तो जैसे देखो H2SO4 एग्जाम्पल क्या, H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, HCl भी है स्ट्रांग एसिड है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, ऐसे चीजें आएंगे। तो ये तीनों जब आएगा ना, तो स्ट्रांग एसिड है, इसके अलावा भी स्ट्रांग एसिड है, लेकिन आप लोग को इतना जानना है, ये तीनों जब आएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो कैसे एसिड है, स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन एक सोल्यूशन, तो जैसे मैंने बताया क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक्स डाउन कंप्लीटली इन वाटर एंड गिव्स ऑफ मेनी एच प्लस आयन, मेनी मेनी, देखो पीडीएफ में मेनी लिखा गया है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, मेनी का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जितने, जैसे ना, जितने मैक्सिमम एक्सटेंट में डिसोसिएशन होगा, मैक्सिमम एक्सटेंट कहने का मतलब क्या है, जैसे हम आपको बात बता रहे हैं, आप लोग जैसे देखो यहाँ पे 10 एसिड की H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 का यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है एसिड का, ठीक है। हाँ, तो इसको जैसे पानी में डालोगे ना, जैसे पानी में डालोगे, तो 10 है ना, कि 10 का 10 टूट जाएगा,
दसों के दसों टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 20H+ आयंस बन जाएंगे, और 10 क्या हो जाएंगे, 10 तुम्हारे H2 सल्फेट आयन बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं। नॉर्मली देखो, क्योंकि एक क्या रहे, 2H+ आयन दे रहा है, ये सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी जैसे कोई वीक एसिड है, H2CO3 है, कोई वीक एसिड है, तो इसको डालोगे ना, तो जरूरी नहीं कि सारा वीक एसिड डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाएगा, 7H2SO4 ऐसे ही आराम से बैठा रहेगा पानी में, मान लो 7, और इसमें से ना सिर्फ 3 ही H2SO4 इसमें से डिसोसिएट हुआ, मान लो 10 डाले थे तो H2CO3 डिसोसिएट होगा, तो 3 जब डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2CO3 है तो 3 मान लो डिसोसिएट होगा तो 6H+ आयन निकलेगा, क्योंकि एक डिसोसिएट होगा तो 2 2H+ आयन निकलेगा, ऐसा ही ना है सुदर्शन। हाँ, तो कुछ ऐसे ही डिसोसिएट ही नहीं होगा, कुछ वैसे ही जैसे ना, सिंपल ये समझो कि ऐसा चीज है कि पानी में डालोगे ना तो कुछ उसमें पानी में डिजॉल्व होगा, कुछ चीज होता है ना कि 100% डालो तो पूरा 100% घुल मिल जाता है उसमें, हाँ कुछ होता है आधा अधूरा घुलता मिलता है, तो उसी टाइप के जो वीक होते हैं ना, पूरे डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो वीक रह जाते हैं। जो पूरा जल्दी जल्दी H+ पानी में डालते हैं, पूरा जल्दी जल्दी H+ आयन देने लगेगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग एसिड रहेगा। जैसे देखो ना, अभी आप बेसिस डालते हो ना, सिमिलरली एसिड में भी ऐसे है, बेस में भी ऐसे है, बेस को भी जैसे आप पानी में डालो विगरसली, खूब जल्दी जल्दी OH आयन अगर प्रोड्यूस करने लगेगा तो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे आप चूना डालते हो पानी में ना, देखते हो पानी एकदम हीट हो जाता है और एकदम पूरा उबलने लगता है, देख रहे हो ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जैसे उसको पानी में डाला जाता है ना, जितने वो जैसे मतलब OH- आयन्स होते हैं पानी में, तुरंत उसको वो करता है, पूरा डिसोसिएट होता है, ठीक है। और जो आयन का जो डिसोसिएशन होगा तो उसमें से बहुत ज्यादा क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रांग और वीक की पहचान है, तो स्ट्रांग वीक की पहचान ज्यादा से आप लोगों को एग्जाम्पल से ज्यादा याद करना है। तो स्ट्रांग एसिड में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये सब जो चारों पांचों जो मैंने अभी नाम बताया ये सब स्ट्रांग एसिड है। उसके बाद बी के एसिड भी आप लोग पढ़ोगे तो देखो, बी के एसिड जो है पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, पार्शियली मतलब जैसा मैंने अभी बताया कम डिसोसिएट होंगे, जैसे मान लो एसिड के 10, बी के एसिड का 10 मॉलिक्यूल है, तो उसको पानी में डालोगे तो उसमें 200 का 200 डिसोसिएट नहीं होगा, मान लो 2 3 उसमें से डिसोसिएट होगा, बाकी 8 7 ऐसे राजा जैसे आराम करेगा पानी में, अपने तैरेगा घूमेगा, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो, लेकिन हाँ दोनों एसिड रहेगा तो वीक हो स्ट्रांग हो दोनों H+ ही देंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि एसिड है तो H+ ही देगा, लेकिन जो स्ट्रांग रहेगा वो पूरा डिसोसिएट होगा, जो वीक होगा वो कम डिसोसिएट होगा, ठीक है। पूरा का मतलब जो स्ट्रांग है, पूरा का मतलब 100% नहीं होता है, मतलब 99% से ज्यादा डिसोसिएशन होता है, बाद में जाओगे तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पढ़ोगे कि कितना परसेंटेज डिसोसिएशन होता है। तो लेकिन जो वीक होते हैं ना, जो वीक हैं वो मान लो 10 20% डिसोसिएट होते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं वो 80 90% से ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। हाँ, अब 80 90% से ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, व्हाट डज इट मीन, कि जैसे मान लो 100 उसका मॉलिक्यूल डाल दिए तो 80% डिसोसिएट होने का मतलब समझ रहे हो ना, कि उसमें से 100 में से 80 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में चला जाएगा। और किसी का 100 मॉलिक्यूल डाले उसमें से सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो कैसा हुआ, वो वीक हुआ। हाँ, फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अब ये कंजुगेट ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, तो यही बताया है ना कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो जाएंगे, देख रहे हो ना, यहाँ पे जो वीक में है पूरा डिसोसिएट नहीं किए हैं, जैसे ये डाला गया इसका डिसोसिएट होके अलग चला गया है, एक डिसोसिएट हुआ है इसका डिसोसिएट हुआ है ना, ये डिसोसिएट हुआ है तो इसका H+ आयन यहाँ पे आ गया है ना, देखो यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन इन सब का देखो ये भी डिसोसिएट हुआ है, एक यहाँ पे H+ आयन है, तो देखो ये वाला डिसोसिएट हुआ तो इसका घूम रहा है, बाकी सब का ना H+ आयन अलग ही नहीं निकला है, सब आपस में जुड़े हुए हैं ना, थोड़ा डिसोसिएट हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो देखो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आयन से डिसोसिएट नहीं हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है एसिड के डिसोसिएट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो क्या है ये, वीक है, कैसा है ये, वीक एसिड है। ऐसे ही बेस में भी है, तो बेस में जैसे मान लो यहाँ पे एसिड जब डिसोसिएट हो रहे हैं तो एच निकल रहा है, H+ आयन निकल रहा है, जब बेस डिसोसिएट होंगे तो OH- आयन निकलेगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रांग और
वीक जो वीक होने का जो कंसेप्ट है सेम है दोनों के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, तो एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, आप लोग को पता है एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स एंड कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस गैस। हाँ आप ये भी आप लोग को जानना जरूरी है, जो मेटल से और मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेटल और मेटल कार्बोनेट में आप एसिड डालोगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैस प्रोड्यूस करेंगे। हाँ एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन, एसिड तो पता ही है कि एसिड में एच प्लस आयंस होते हैं, ठीक है। कोई भी एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन तो रहना ही रहना है, कोई एसिड का बोलो सब में हाइड्रोजन आएगा, कोई भी एसिड का आप नाम बोलो, किसी का भी आप फार्मूला बोलो, मन में कोई एसिड बोलो, मान लो कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड बोले तभी भी उसमें H2SO4 है, फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो तभी भी इसमें भी हाइड्रोजन है कि नहीं। हाँ फास्फोरिक एसिड बोलो इसमें भी है, अभी कार्बनिक एसिड बोलो इसमें भी है, कोई भी एसिड बोलोगे, कोई भी एसिड बोलोगे तो उसमें हाइड्रोजन रहना मस्ट है, क्योंकि यही तो पहचान है, यही तो हाइड्रोजन रहेगा तो टूट के जो एच प्लस निकलेगा तभी तो उसका एसिड हो रहा है नहीं, ये उसका जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसमें हाइड्रोजन तो रहना ही रहना है, एसिड रहेगा तो। फिर वो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड सॉर टेस्ट, तो सावर टेस्ट मतलब सबको पता है, यहाँ पे एक इमेज लगाया गया है सावर टेस्ट होता है। फिर एसिड्स इन फूड टेस्ट सावर एंड प्रोड्यूस ए बर्निंग अनप्रिकलिंग फीलिंग ऑन द स्किन। हाँ ठीक है, जो एसिड होते हैं तो सावर तो टेस्ट होते हैं, अगर स्किन पे कहीं चले जाते हैं तो क्या होता है, बर्निंग होता है, ठीक है, जलन महसूस होने लगता है, ठीक है। अभी जलन क्या महसूस करना है, अभी H2SO4 डाल दो किसी के चेहरे पे फेंक दे, अभी छपाक मूवी देखे होगे, देखते हो ना एसिड अटैक, इतना ज्यादा वो बर्निंग हो जाता है कि पूरा चेहरा ही खराब हो जाता है, पूरा चेहरा ही झुलस जाता है एसिड फेंक देने पे, ठीक है ना सुदर्शन। हाँ तो इसको बर्निंग भी होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपको पूरा एकदम मतलब जला सकती है, हमेशा लाइफ टाइम के लिए आप पूरा निशान बन जाएगा, इतना स्ट्रांग होता है H2SO4 ये सब जो होता है। अब देखते हो ना कभी कि वॉशरूम्स के लिए भी पहले काफी ज्यादा एसिड का यूज होता था, बस आज भी यूज होता है वॉशरूम्स के लिए साफ करने के एसिड का यूज होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हाँ एसिड जो पूरा रहता है इतना ज्यादा उसको मतलब कोरोड करता है, इतना ज्यादा कोरोड करता है कि पूरा एकदम चमकने लगता है बेसिन या वॉश बेसिन या किसी में एसिड से सफाई करने पे, तो ये बहुत जो स्ट्रांग एसिड है उनका यूज किया जाता है वहां पे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड में सिंस टेस्टिंग क्या, हाँ वही है बर्निंग टाइप का, ठीक है। सिंस टेस्टिंग और टचिंग एन अननोन केमिकल इज एक्सट्रीमली डेंजरस, आप लोग के लिए है, अदर मेथड्स आर नीडेड टू टेल वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिड आर बेस। तो मान लो अब बार बार कोई अब बोल दिए कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, तो अब कोई पूछेगा कि एसिड है कि बेस है, तो ऐसा थोड़ी कि आप उसको टेस्ट करके दे बताओगे कि एसिड है कि बेस है कि नहीं। गए सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करने के लिए, जिस हाथ से टच किया हाथ ही जल गया है, पूरा चेहरा जल जाएगा, टंग मतलब जीभ पे मतलब आ जाएगा तो बात ही अलग है, पूरा जल जाओगे स्ट्रांग रहेगा तो ऐसा तो करते नहीं है। तो उसके लिए अदर मेथड्स क्या हैं, अदर मेथड्स ये हैं कि कार्बोनेट से ऐसे जो मेटल से गैस रिएक्ट करते हैं, कौन से गैस निकलती है उसको चूज किया जाता है, वो तरीके चूज किए जाते हैं केमिकली जो लेबोरेटरी में होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। ए सेफ वे टू टेस्ट टू सी इफ ए सोल्यूशन इज एसिड इज टू प्लेस ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन द कंपाउंड दैट कंटेन्स ए कार्बोनेट। तो जो कार्बोनेट कंपाउंड कंटेंट, कार्बोनेट कंटेंट मतलब जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, अभी चाक है, चाक पाउडर है जैसे आप बोर्ड पे लिखते हो चाक, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आप एसिड डालो तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, गैस प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लाइम स्टोन इज ए रॉक दैट कंटेंस कैल्शियम कार्बोनेट, यही चाक का भी होता है ना लाइम स्टोन, कैल्शियम लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे भी एक और क्वेश्चन याद कर लो, लाइम स्टोन का क्या होता है, ये मैं अलग से लिखवाऊंगा अभी एक बार, लाइम स्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, CaCO3। हाँ चाक का भी यही होता है, चाक भी यही है कैल्शियम कार्बोनेट ही। तो व्हेन एसिड टचेज ए पीस ऑफ लाइम स्टोन ए रिएक्शन, चाक चाक जो चाक ये वाला जो चाक,
बोर्ड पे जो लिखते हो व्हाइट पाउडर, ठीक है। हाँ, बोर्ड पे लिखने के लिए सफेद नहीं चाक आता है पेंसिल, हाँ वही वाला। तो वेदर एसिड टचेज ए पीस ऑफ लाइम स्टोन, ए रिएक्शन अकर्स दैट प्रोड्यूसेस ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो कार्बोनेट्स पे आप एसिड डालोगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और जो एसिड होती है मेटल से भी रिएक्ट करती है, ठीक है। किसे रिएक्ट करती है, मेटल से रिएक्ट करती है। तो मेटल से रिएक्ट करेंगी तो एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ मोस्ट मेटल्स। तो मोस्ट मेटल कहने का मतलब है जो स्ट्रांग मेटल्स हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रांग नहीं बोलो, जो अल्कलाइन मेटल है, जो अल्कली मेटल है, जैसे मान लो आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो उन लोग के साथ एसिड आप डालोगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। और उसकी हाइड्रोजन गैस को अगर, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलता है तो हाइड्रोजन गैस को अगर जलाते हो आप तो कैसे होता है, पटपट की आवाज आती है थोड़े से ना, हाँ मतलब साउंड आता है, क्रैकलिंग साउंड आता है हाइड्रोजन गैस जलता है तो, ठीक है। तो अब जला के नहीं देखना है, लेकिन इतना जानना है कि अगर कोई पूछेगा कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेंगी तो कौन सी गैस निकलेगा, आप बताओ, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। कार्बोनेट अगर रिएक्शन करेंगे तो CO2 गैस निकलेगा, मेटल अगर रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। हाँ, तब कोई ऐसा पूछ दिया कि जैसे मान लो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पे अभी एसिड HCl डाल दिए इस पे, तो कौन सी गैस निकलेगा, HCl डाल दिया तो कौन सी गैस निकलेगा, CO2 निकलेगा, ठीक है। CO2 गैस निकलेगा, CO2 गैस। और भी कंपाउंड बनेगा लेकिन वो सब आपको नहीं जानना है। अभी जैसे मान लो कोई मेटल है, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, हाँ सोडियम है, इस पे एसिड डाल दिए, सोडियम है और इस पे क्या डाल दिए, इस पे H2SO4 डाल दिए, तो कौन सी गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस निकलेगा। बाकी और भी बनेगा तो वो सब आपको नहीं देखना है। तो ये दो चीजें याद रखना है, सॉर्ट टेस्ट होता है, और ये भी जानना है कि आएगा कि एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हाँ रिएक्ट करते हैं। तो चलो कोई पूछ देगा कि रिएक्ट करते हैं तो कौन से गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हाँ कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्शन करता है, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, समझ गया ना। ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं एक सोल्यूशन में, तो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड का pH क्या होता है, तो एसिड का pH 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, यानी 7 से कम होता है। एसिड का सावर टेस्ट होता है, तो एसिड अब इतना प्रॉपर्टी याद हो गया तो इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। फिर एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो मतलब एसिड स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो कोई पूछेगा स्ट्रांग एसिड के 2-3 एग्जाम्पल बताओ, तो बताना सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। फिर पूछेगा कोई बिक एसिड के एग्जाम्पल बताओ, तो बिक एसिड में आप बताना कार्बनिक एसिड, ये सब, तो समझ गया ना। बिक एसिड में जितने फार्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड, जितने भी अभी जो साइट्रिक एसिड, ये जितने लेमन ये सब में पाया जाता है, सब क्या होता है, बिक एसिड होता है, ठीक है। हाँ, साइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जितने हैं सब क्या है, ये बिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो इंडस्ट्री में जो प्रिपेयर होता है, मेनली क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। अभी विनेगर क्या है, विनेगर क्या है जो सिरका है, विनेगर क्या है जो सिरका है, बताओ विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। क्या होता है विनेगर, क्या है एसिटिक एसिड, क्या होता है विनेगर, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड। तो ये भी एसिटिक एसिड भी कैसा है, वीक एसिड है, ठीक है। क्योंकि सिरका तभी तो खाते हैं, स्ट्रांग एसिड खा थोड़ा पाओगे, स्ट्रांग एसिड आप कोई फूड आइटम में डालोगे, स्ट्रांग कोई सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालता है, ठीक है। पिकल्स में डाला जाता है ना सिरका अचार बनाते टाइम, कुछ लोग तो सिरका ऐसे पी भी जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड पी जाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड पी जाओगे पूरा जल जाओगे, ठीक है।
एसिड का उपयोग किए जाते हो क्योंकि ये वीक है, ये वीक एसिड है, ठीक है, कोई जो बर्निंग सेंसेशन है सब नहीं होता है, थोड़ा सा केवल सावर टेस्ट फील होगा। हाँ तो ये तो पता ही लग गया, हाइड्रोजन रहते हैं, इसको कुछ बताना नहीं है। तो इसमें देखो ये सबका फार्मूला है, ये सब फार्मूला देख लेना, अभी मैंने बता ही दिया है सबका लगभग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, ठीक है। अभी देखो संयोग से इधर ऐसे लिखा है ना, तो इधर ये सब जितना लिखा है ये सब क्या है, इधर वाली स्ट्रांग है, ठीक है, और इधर वाली क्या है, वीक है, ये सब क्या है, वीक एसिड है, इसके नीचे स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग वीक का भी सेपरेशन है यहाँ पे। देखो ये जो फास्फोरिक एसिड भी वीक है, साइट्रिक एसिड भी वीक है, एसिटिक एसिड भी वीक है, ठीक है, समझ गए ना। ये फार्मूला देख लेना, सल्फ्यूरिक एसिड यही सब फेमस है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बनिक एसिड, एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद अब क्या आ गया, बेस, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बेस के, मैंने तो पहले ही बताया था बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एसिड को आप एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब बेसिस को डालोगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाइड्रो इसको OH- को क्या बोला जाता है, OH- ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत लिखा गया है ये, OH- कहाँ होता है, ऊपर होता है, ठीक है। आयन जब भी लिखा रहेगा कहाँ लिखा गया रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर रहेगा। तो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं इक्वल सोल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी सब देखते रहना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो डिजॉल्व इन वाटर द कंपाउंड सेपरेट्स इनटू सोडियम एंड OH- आयन, ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे दोनों पहले मिला हुआ है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, H+ और OH- आयन से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। इसको एक सोल्यूशन में डालोगे तो किसमें हो जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है, एगो सोडियम आयन अलग निकल जाएगा और OH- आयन अलग निकल जाएगा, ठीक है। हाँ तो फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस में है इसमें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस तो मैंने पहले ही बताया था कि बेसिस यूजुअली टेस्ट बीटर, इनका कैसा होता है, कड़वा होता है, कड़वा कैसे लगते हैं, कड़वा होते हैं, ठीक है, कड़वा होते हैं, बीटर टेस्ट होता है इनका। और जो एसिड होते हैं उनका कैसा टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है ना, बेसिस फील स्लिपरी, इसके एग्जाम्पल बताओ बेसिस कैसा फील होते हैं, स्लिपरी फील होते हैं, चिकनापन जैसा होता है, जैसे देखो ना आप साबुन देखे हो ना, साबुन देखे हो ना, सब देखे हो ना, साबुन कैसे फील होता है, स्लिपरी फील होता है कि नहीं, उसमें क्या रहता है, बेस रहता है, ठीक है। साबुन अगर कभी गलती से कभी मुंह में चला जाएगा तो गया होगा, तो देखना उसका टेस्ट कैसा आता है, कड़वा लगता है वो, खट्टा नहीं लगता है, नहीं। बेस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये वाला प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लेना, आप लोग को पता भी है, तो ये सब चीजें। फिर बेकिंग सोडा, ये सब बेसिस के एग्जांपल क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। अभी जैसे आप देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंटा एसिड की तरह यूज किया जाता है, किसकी तरह यूज किया जाता है, एंटा एसिड की तरह, एंटा एसिड मतलब क्या होता है ना, आपको एसिडिटी होती है ना, डाइजिन देखे हो, डाइजिन, डाइजिन, डाइजिन टेबलेट्स नहीं आती हैं, डाइजिन टेबलेट्स आती है ना, डाइजिन टेबलेट्स या डाइजिन का सोल्यूशन भी आता है, कैसा होता है, दूध जैसा होता है एकदम, होता है ना कलर उसका सफेद दूध जैसा, तो डाइजिन में क्या होता है, यही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें इंटा एसिड की तरह यूज किया जाता है। अगर पेट में ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो इस बेस को वो कर लिया जाता है, लोग बेस को मतलब एंटासिड लेते हैं, जिसमें बेस रहता है तो पेट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिटी हो जाती है, तो ठीक है। डायजिन क्या नहीं आता, डायजिन के भी टेबलेट्स आते हैं, सलों ने देखी हो ना, हाँ बाजार में मिलता है, तो वो वाला जो बेस ही होते हैं वो, क्योंकि जब पेट में ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, एसिड जो ज्यादा पेट में हो जाता है कभी कभी, मृत्युंजय सर आप लोग को पढ़ाया होंगे कि एसिडिटी क्यों हो जाती है, ठीक है, एसिडिटी क्यों होती है पता है आप लोगों को ना, पेट में एसिडिटी क्यों होती है, क्यों होती है सुदर्शन, पेट में एसिडिटी क्यों होती है, हमारे पेट में,
कौन सा एसिड सबसे स्टोमक में कौन सा ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन्होंने बताया था ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अब हम लोग खाना के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे पेट में क्या क्या काम है, खाना के डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ में ना जितने भी खाने के साथ साथ जो जर्म्स या बैक्टीरिया वायरस फंगस कुछ भी जो चले गए रहते हैं खाने हमारे पेट में, उनको क्या कर देता है, वो किल कर देता है। ठीक है, तो एसिड का ये है ना कि इसका अब टाइम बन गया, अब हम लोग डेली खाना खाते हैं तो उसका क्या बन गया हैबिट बन गया है पेट का। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करने का, तो क्या होता है आप डेली मान लो 8 बजे सुबह में आप खाना खाते हो सुदर्शन, ठीक, तो 8 बजे के टाइम में आपका एसिड पेट से निकलता है, आपको खाना में जो बैक्टीरिया उनको खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, बैक्टीरिया और जो पैथोजन से उनको किल करने के लिए। आपने क्या हुआ, आप टाइम बदल दिए, आप 8 बजे डेली आप 3 महीने से 8 बजे खाना खा रहे हो, अगले दिन आप क्या कर दिए, आप 8 बजे नहीं खाना खाए, 2 बजे दोपहर में खाना खाए। ठीक है, तो पेट तो आपका सुबह में 8 बजे के बाद 2 बजे तक पूरा खाली रहेगा, तो पेट को बन गया है हैबिट डेली एचसीएल प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो क्या करेगा, आपका पेट खाली है फिर भी क्या कर देगा, एचसीएल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब एचसीएल जो प्रोड्यूस करेगा, आपका पेट खाली है, तो खुद पेट के ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ना पेट के ही वाल्व क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसी से ना कैंसर भी हो सकता है, उसी से काफी बीमारी हो जाती है और उसी से एसिडिटी होती है। तो इसीलिए जो हमारा होता है खाना, हम लोग को डेली टाइम से खाना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस टाइम पर खा रहे उसी टाइम पर खाओ। ठीक, हाँ, तो वो जगह ऐसा होता है कि कभी कभी एसिडिटी हो जाता है, तो नहीं ऐसे डकार आता है एकदम, पूरा लगता है गला एकदम जल गया है, तो उसी वजह से हो जाता है। तो उनको ठीक करने के लिए जो होते हैं एंटासिड दिए जाते हैं, उसको क्या नाम है उसका, एंटासिड उसको बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि अभी जैसे एंटासिड, एज एंटासिड को इसको यूज किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है जो एक बेस है। ठीक है, बेकिंग सोडा ये सब आप लोग देखा है, बेसिंग सोडा भी जो खाना बनाने में यूज होता है ना, सोडा वाला, पुराने जमाने में लोग दाल नहीं गलते थे तो बेकिंग सोडा यूज करते थे कि नहीं, आज भी मिक्सर बनाया जाता है तो बेसिड सोडा डाल देते हैं। तो फ्लफी बनाने के लिए ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, बहुत सारे आइटम में डाला जाता है। अभी ये सब समोसे ये सब खाते हो ना, तो उसका देखते हो कितना वो रहता है, जो समोसे का होता है तो मैदे का जो ऊपर कवर बना रहता है तो थोड़ा वो क्रंची टाइप का होता है, नहीं हो जाता है समोसा, देखो तोड़ोगे तो क्रंची टाइप का दिखता है वो। पूरी आप अभी आटे का बनाते हो तो क्रंची टाइप का नहीं दिखता है ना, समोसे जितना क्रंची नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें ना बेकिंग सोडा भी थोड़ा मिला देते हैं समोसा बनाते टाइम। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा क्रंची हो जाता है, क्योंकि जब ये ऑयल में जाता है तो आप देखना फ्लफी टाइप का हो जाता है, इसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से, तो इसका यूज किया जाता है। और खाने का भी इसका फायदा है कि एसिडिटी नहीं होगा, लेकिन ज्यादा खा लोगे तो बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो और दिक्कत हो जाएगा। तो लिमिटेड खाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, तो बेसिस से पता है बेटर टेस्ट होता है, माइल्ड बेसिस से फूड टेस्ट बेटर एंड फील स्लिपरी, बट एज एसिड टेस्टिंग एंड टचिंग आर नॉट सेफ, वे टू टेस्टिंग वेदर ए सॉल्यूशन एसिड्स, कुछ जो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जितने पूरा स्किन को जला सकते हैं, पूरा स्किन को आपको जला सकते हैं। ठीक है, ये स्लिपरी होते हैं और बीटर टेस्ट होते हैं, ये सब जो चीजें हैं ये आप लोग को पता ही है। फिर देखो, बेसिस फील सॉपी एंड स्लिपरी बिकॉज दे रिएक्ट विथ एसिड मॉलिक्यूल्स इन स्किन कॉल्ड फैटी, तो जितने हमारे जो स्लिपरी फील होते हैं, क्योंकि जितने भी हमारी स्किन के नीचे जो फैट्स होते हैं ना उनसे रिएक्ट करते हैं। तो ये वाला स्लाइड का आप लोग को कोई मतलब नहीं है, ज्यादा आपको इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक का बेसिस फील स्लिपरी, इन फैक्ट दिस इज एग्जैक्टली हाउ सॉप इज मेड, मिक्सिंग बेस यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड विद फैटी एसिड प्रोड्यूसेस सॉप। कोई बोलेगा कि साबुन कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है बताओ सुदर्शन, साबुन बनता है ना, तो साबुन क्या कि साबुन में क्या यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, सब बनाने में क्या यूज किया जाता है, मैक्सिमम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कुछ सॉप बनाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है, यानी बेस का यूज होता है। तो
जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जो सांप बनी होती है ना, महंगी होती है, ठीक है, थोड़ी महंगी बाजार में मिलती है, और क्योंकि ज्यादा बेसिड, अब सांप से आप नहा रहे हो तो ज्यादा बेसिड, अब ज्यादा सांप देखते हो ना कि ज्यादा साबुन से कोई नहा लेता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है। तो जो बेस होता है ना पूरा, मतलब पूरा वो हो जाता है कोरोड, जैसे बार बार आप साबुन से मुंह नहीं धोना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका पूरा चेहरा कोरोड हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा बेस होता है, ठीक है, उसमें क्रीमी जैसा नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग जैसा होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है एसिड से, फिर उसके बाद अलग तरीका है बनाने के लिए सब, क्योंकि कोई यूज किया जाए, पूछेगा कि कौन कौन से जो बेस हैं जो साबुन बनाने में यूज किए जाते हैं, तब बोलोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, साबुन बनाने में यूज किए जाते हैं, मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। सो व्हेन बेस टचेज योर स्किन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस विथ योर ओन फैटी एसिड्स एक्चुअली मेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो जो अब साबुन जो हमारे जो आता है ना, तो फैटी एसिड जो हमारे स्किन में जो फैट्स हैं उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, हाँ। तो फिर ये देखो यहाँ पे बेस है और उनके फार्मूला है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड CsOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे BaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, फिर स्ट्रोंथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब बेस है, ठीक है, बेस है, कुछ फार्मूले हैं, तो सबको नहीं याद करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब याद कर लेना, ठीक है, जो फेमस फेमस है, ठीक है, हाँ, ये सब याद, पूरा याद करना होगा तो पूरा याद कर लेना, लेकिन ये सब फेमस है, इनको याद करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो ये सब जो अभी एक ही बार एक टेबल है, तो ये तो सारा बता ही दिया, एसिड बेस का टेबल है, तो एसिड में एक बार कंबाइन याद कर सकते हो कि सावर टेस्ट होता है इनका, बिटर टेस्ट होता है, डू नॉट फील स्लिपरी, एसिड होते हैं स्लिपरी फील नहीं होते हैं, और जो बेस होते हैं स्लिपरी फील होते हैं, इनका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, इनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, इन ये पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होकर प्रोड्यूस करते हैं, और ये OH- आयन रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, मेटल से साथ कोरोड करते हैं, हाँ, ये मेटल को कोरोड नहीं करते हैं, अभी मैंने बताया ना कि एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, एसिड अगर कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हेन एसिड रिएक्टेड विद मेटल प्रोड्यूसेस जैसे ऑप्शन आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो क्या चेक करोगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाँ। और भी इनका तरीका है, यहाँ पे जो लिटमस पेपर को जो एसिड क्या कर देते हैं, रेड बना देते हैं, ठीक है, रेड में टर्न कर देते हैं, और जो बेस होते हैं लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं, ये ब्लू में, तो आप लिटमस पेपर डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर, जैसे लिटमस पेपर डालोगे तो बेस में किस कलर का रहेगा, वो ब्लू, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन में उसको डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो फेनाफ्थलीन और जो लिटमस पेपर ये सब जो है, तो फेनाफ्थलीन केमिकल है जिसको यूज किया जाता है एसिड बेस टेस्ट करने के लिए, और लिटमस पेपर कुछ नहीं है, अभी आप लोग हम लिटमस पेपर बताने वाले हैं, तो लिटमस पेपर क्या होता है ना, जैसे पट्टी जैसा होता है पतला, ठीक है, कितना क्या पट्टी जैसे पतला सा, ठीक है, पेपर होता है एकदम सिंपली, तो इसमें क्या करता है, लिटमस पेपर को ना आप एसिड बेस चेक करना है ना, तो बीकर में थोड़ा सा एसिड लेते हो और इसमें लिटमस पेपर से थोड़ा सा एसिड में उसको डुबा देते हो या थोड़ा सा टच करा देते हो, ठीक है, तो लिटमस पेपर का ना अगर कलर अगर ब्लू हो जाएगा, अगर कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया डुबाए तो, अगर इसमें कलर क्या हो गया जी, ब्लू हो गया, बताओ, अगर कलर ब्लू हो गया तो क्या है उसमें, बेस है, ब्लू हो गया तो क्या हो गया, बेस है, ब्लू रहेगा तो बेस अगर रहेगा तो ब्लू हो जाएगा, और फिर वैसे ही लेकर लिटमस पेपर डाले, लिटमस पेपर डाले यहाँ पे, और अगर ये क्या हो गया, ये डाल दिया लिटमस पेपर और ये क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है,
रेड हो जाएगा, यस रेड हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन क्या है, रेड या पिंक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एसिड है, एसिड है। तो समझ गए ना, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर आपको देखना होगा, जैसे पट्टी जैसा होता है बाजार में, कितना मिलता है, 1 रुपए में 2-3 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड और बेस दोनों जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया, जो तुम कल सवाल पूछे थे वो भी समझ में आ गया ना। हाँ हाँ तो बेस का जो स्ट्रेंथ होता है, तो जो बेस का स्ट्रेंथ होता है ना, पीएच स्टैंड फॉर जो पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है, एंड इज ए प्रेशर फॉर हाउ मेनी एच प्लस आयंस देयर आर इन ए सोल्यूशन, ठीक है। तो कैसे स्ट्रेंथ का पता लगता है, जितना अगर एच प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ना स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। तो ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना जानना है कि पीएच स्केल पर मेजरमेंट होता है इनका, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर पीएच लिखा गया है, यहाँ पे सारा ये चीजें बनी हुई हैं। जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 के करीब है, 1 से भी कम है। तो जितना कम पीएच रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, ठीक है ठीक है। हाँ तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हो, लोअर द पीएच, लोअर द पीएच, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है। जैसे पीएच कम हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। हेलो, जो पीएच लोअर होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, ठीक है। और ज्यादा पीएच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिग वेट एसिड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, 0 के जो करीब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर उसके बाद लेमन में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, यहाँ पर लेमन है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ना, थोड़ा इमेज साफ नहीं है। फिर उसके बाद एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल है, तो इसके बाद थोड़ा इससे भी कमजोर एसिड है इसमें। फिर बनाना है, तो इसमें भी कमजोर एसिड है। फिर वाटर है, तो वाटर क्या है, न्यूट्रल है 7 पे, ठीक है, वाटर न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल है। फिर उसके बाद क्या आया है, बेकिंग सोडा आया है, तो स्लाइटली बेसिक है। फिर अमोनिया आया है, तो ये उससे भी ज्यादा बेसिड है। और जो होता है, जो ड्रेन क्लीनर होता है, तो यानी जो क्लीनर आता है, यानी जो ये सब है स्ट्रांग जो बेस होते हैं, वो सब क्या है, मोस्ट बेसिड है, ठीक है। देखो साबुन का स्थान यहाँ पे है, साबुन क्या है, बेसिक में है, ठीक है। जो विनेगर है, टोमेटो है, 7 से इधर है, तो क्या है, एसिड है, ठीक है। और जो मिल्क और जो ब्लड है, तो मिल्क और ब्लड क्या है, 7 के एकदम करीब है, ठीक है। एकदम न्यूट्रल नहीं है, लेकिन एकदम न्यूट्रल के करीब है। तो मिल्क जो होता है स्लाइटली एसिड होता है, क्योंकि उसका नाम में देखो मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है कि नहीं, मिल्क में लैक्टिक एसिड, तो क्या है, स्लाइटली थोड़ा सा एसिड है, एकदम न्यूट्रल के करीब ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, एसिड है, ठीक है। अब ब्लड क्या है, ब्लड में, ब्लड तो बहुत अच्छा बफर है, ब्लड बहुत कार्बनिक एसिड का बहुत अच्छा बफर है ब्लड। तो ब्लड का तो पीएच चेंज नहीं होता है, तो 7 से थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बेसिक होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, स्लाइटली थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। हाँ तो लेकिन ब्लड का पीएच, ब्लड सबसे अच्छा बफर है। बफर क्या होता है, बफर ये होता है ना कि बफर में, बफर ऐसा होता है ना कि उसमें आप कुछ भी डाल दो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, पीएच कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। बफर अगर कोई सॉल्यूशन बफर है, तो उसमें आप एसिड डालो और बेस डालो, कोई बात नहीं है, उसमें बेसिड बेसिड डालते जाओ, सबको खाता जाएगा, ठीक है। बढ़ने अपने खुद का पीएच बदलेगा नहीं, एसिड बेस खाता जाएगा, पचाता जाएगा। तो जो हमारा ब्लड है ना, एकदम अच्छा बफर है कार्बनिक एसिड का। तो हम लोग खट्टा चीज भी खाते हैं, ये बेसिक चीज भी खाते हैं, तो हम लोग का जो खून का पीएच है ना, बदलता नहीं है। एक तुमसे बात बोलूं, जैसे मान लो कि हम लोग का 7.3 पीएच है ना, मान लो अप्रॉक्स 7.3 है ना पीएच ब्लड का, तो केवल, हाँ 7.5 हो गया ना तुम्हारा पीएच, 7.3 से 7.5 हो गया ना, इतने से तुम्हारा डेथ हो जाएगी, इतने से ही तुम मर जाओगे, अगर पीएच इतना ही सिर्फ चेंज हो गया तो, ठीक है।
क्योंकि ना इतना हमारा जो शरीर इतना पीएच चेंज ही नहीं होने देगा, इतना अच्छा बफर है ना, दुनिया का सबसे अच्छा बफर कहाँ है, ब्लड में। क्योंकि अगर इंसान के जब पीएच इतना इतना चेंज हो जाएगा ना, तो बहुत सारे फंक्शनलिटी है ना, जैसे देखते हो ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा आप कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है, पूरा जो यूरिन में है जलन होने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा जो किडनी होगा वो फेल हो जाएगा, हार्ट होगा वो फेल हो जाएगा, पूरा एकदम बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा पीएच में थोड़ा भी चेंज होगा तो, ठीक है। हाँ, तो किसी लोग को देखते हो ना कि किसी लोगों में ज्यादा में यूरिन में ज्यादा यूरिया बनने लगता है, तो उनको क्या होता है, उनको यूरिन करते टाइम उनको जलन होने लगती है। अभी तो उनका पीएच मान लो 0.00 में भी कुछ समथिंग कुछ चेंज हुआ रहता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी होता है तो लोग इतना परेशान हो जाते हैं। और ये ज्यादा चेंज हो जाएगा ना पीएच, तो तुरंत मर जाओगे, पूरा मेटाबॉलिज्म पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है, किडनी उडनी सब फेल कर जाएगी। तो बेस का जो स्ट्रेंथ है, तो बेस को बताया ही गया है कि 7 से ज्यादा होता है, ये सभी इतना ही सिर्फ आप लोग को जानना है, अंदर की बात नहीं जानना है। यहाँ पर जनरली है तो यहाँ पर पीएच 7 से कम हो जाएगा तो एसिडिक रहेगा, 7 के बराबर रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो बेसिक रहेगा। ये तो कितना बार बता चुका हूँ, ये सब याद रखना, ये सब याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर एसिड बेस जो स्ट्रेंथ है होता है, अब देखो ये भी एक दो पॉइंट है, आप याद कर लो, ये भी दो पॉइंट है याद कर लो। अभी आप लोग याद भी क्या करना है, आप लोग तो समझ गए हो, जो कंसेंट्रेटेड स्ट्रांग एसिड होता है तुम लोग बताओ उनका पीएच क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू कम रहेगा कि ज्यादा होगा, जो कंसेंट्रेटेड स्ट्रांग एसिड है कम रहेगा। हाँ कम होगा, तो देखो यहाँ पर वही लिखा गया है, कंसेंट्रेटेड स्ट्रांग एसिड हैज लो पीएच, यही ना लिखा गया है, कंसेंट्रेटेड स्ट्रांग एसिड हैज लो पीएच, तो वही बात लिखी गई है। कंसेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस हैज हाई पीएच वैल्यू, ठीक है। तो जो बेस होंगे जितना ज्यादा बेस होगा उतने ज्यादा पीएच होगा, जितने अच्छा एसिड होगा उतने कम पीएच होगा, समझ गए ना। तो देखो पीएच स्केल है, पीएच स्केल है, मान लो ये क्या है, ये पीएच स्केल है, बना दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, पीएच स्केल है, यहाँ पर 0 है, 14 है। तो इधर से इधर जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या हो रहा है, 0 से 14 जा रहे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, इंक्रीजिंग, ठीक है। आप 14 से 0 आओगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी ये बोलो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, समझ गए हो ना सुदर्शन। चलो आओ देखो समझाते हैं, पीएच 0 है, ठीक है, तो पीएच 0 है तो 0 से 1 हो गए, तो बेसिसिटी बढ़ी कि घटी, हाँ, क्योंकि एसिड वाला कैरेक्टर कम हो रहा है तो बेस वाला कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। करते करते फिर 5 आ गए, तो फिर 5 का आ गया तो उतना ही कम एसिड हो गया, 7 आ गए न्यूट्रल हो गया, 7 से ऊपर गए और बेस होते गया और बेस होते गया, 14 गया तो एकदम बेसिसिटी क्या हो जाएगी, एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली उसका उल्टा है, अब यहाँ पर 14 से आए, 14 किसी का पीएच है, किसी का पीएच 13 है, तो मान लो तो इधर जब 14 से कम आते जाओगे तो एसिड वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, 7 आ जाओगे न्यूट्रल हो जाएगा, फिर उसके बाद जब 0 आ जाओगे, एकदम 0 आ जाओगे तो एकदम सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, 0 के करीब आ जाओगे तो, ठीक है, सबसे स्ट्रांग एसिड हो जाएगा 0 के करीब आ जाओगे तो, ठीक है, समझ गए ना। तो आइडियली कोई भी एसिड इतना स्ट्रांग नहीं होती है कि उसका पीएच 0 हो जाए, ठीक है, और आइडियली कोई भी बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि उसका पीएच 14 हो जाए, समझ रहे हो ना, कि कोई भी, क्योंकि कोई भी 100% पानी में कोई भी 100% डिसोसिएट नहीं होता है। मान लो कोई 99.999 हो जाएगा डिसोसिएशन, लेकिन 100 नहीं होता है रे, मतलब, ठीक है। हाँ, तो आप लोग को एसिड बेस का ये जो था, तो आप लोग को एसिड बेस सबको समझ में आ गया, यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, तो एसिड बेस इंडिकेटर्स के लिए मैंने बताया ना कि लिटमस पेपर यूज किया जाता है। तो मैंने बताया जी कि लिटमस पेपर कैसे चेक करते हैं, पट्टी साइज जैसा होता है उसको बेस में डालोगे तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू, ठीक है, बेस में ब्लू कलर रहता है,
और एसिड में कैसा कलर होता है? पिंक और रेड। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, एक पॉलिश एक लिटमस पेपर है, ठीक है, एक लिटमस पेपर है, एक लिटमस पेपर, एक सवाल बताओ, लिटमस पेपर है, उसका कलर अभी मान लो इनिशियली कैसा कलर है? ब्लू है लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू है। इसको बेस में ही डाल दो, ब्लू है पहले से, इसको बेस में डाल दो तो क्या हो जाएगा? ब्लू पहले से इसको बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा? पहले से ब्लू है उसको बेस में डाल दिए, ये बेस है मान लो, बेस में उसको डाल दिए, अरे तो ब्लू है बेस में डाल दिए तो ब्लू ही रह जाएगा, सोचना क्या है? नहीं, क्योंकि बेस में जाएगा तो ब्लू है, अब बेस में जाके इसको ब्लू ही होना है तो ब्लू ही रह जाएगा, नहीं। लिटमस पेपर मान लो पहले से ही रेड है, उसको एसिड में डाल दोगे तो क्या रह जाएगा? रेड ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, रेड है पहले से, एसिड में डालोगे तो जो बनना है वो तो पहले से ही है कि नहीं? हाँ, तो आप सोचोगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लिटमस पेपर ब्लू रहेगा, लिटमस पेपर रेड रहेगा? तो बाजार में जो लिटमस पेपर का कलर होता है, बहुत सारा कलर होता है, ठीक है, 7 से भी ज्यादा कलर होता है लिटमस पेपर, कई कलर में मिलता है। तो आप मान लो आप बाजार में खरीदने गए लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर वाला है आपको ब्लू लिटमस पेपर दे दिया, ठीक है, आप घर में आए और उसको एक आप सोल्यूशन लिए हो, उसको बेसिक सोल्यूशन है उसमें आप डाल रहे हो, सोच रहे हो अरे कैसा लिटमस पेपर दे दिया, तो कलर ही नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है, तो आपकी गलती है, क्योंकि कलर नहीं चेंज कर रहा है तो आप समझो ना कि अब ब्लू लिटमस पेपर है, आई कलर इसमें सोल्यूशन में डाले हैं तो कलर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है क्या है, ये बेस है, उसको जैसे ही एसिड में डालोगे ना तो तुरंत ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है, हाँ, लिटमस पेपर खराब नहीं रहता है या कोई उसमें वो नहीं है। तो ये वाला बार बार सवाल पूछता है कि ब्लू लिटमस पेपर को ही बेस में डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा? ब्लू ही रहेगा, ठीक है, हाँ, रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे या पिंक लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो कैसा हो जाएगा? पिंक रेड ही रह जाएगा एसिड में डालोगे तो, ठीक है, अगर उसको ये चेंज करना है कि कलर चेंज कर रहा है कि नहीं, तो उसको दूसरा सोल्यूशन में डाल के देखो, एसिड वाले में तुरंत कलर चेंज हो जाएगा, बेस वाले में डालो तुरंत कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो ये बातें हैं आप लोगों को, द कलर ऑफ हाइड्रोजन या फ्लावर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द पीएच ऑफ द सॉइल। तो देखो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं ना इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनका जो पीएच होता है ना डिपेंड करता है, उनका पीएच क्या होता है, सॉइल मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो सेम पौधा सेम सीड दूसरा मिट्टी में बो दोगे तो दूसरे कलर का हो जाएगा, दूसरे जगह स्टेट में मिट्टी में बो दोगे तो दूसरे कलर का हो जाएगा, समझ रहे हो ना? एक तरह का ये मतलब नेचुरल इंडिकेटर है, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। सेम पौधा सेम सीड दो जगह बोए, एक मान लो एक अपने घर पे बोए और एक अपने द्वार पे बोए, ठीक है, तो जहां पे एसिड अगर मिट्टी जहां की एसिडिक है तो दूसरे कलर का पौधा हो जाएगा, फूल होगा उसका, और जहां पे बेसिक जहां पे मिट्टी है ना तो दूसरे कलर का पौधा हो जाएगा, ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। और वी वुड लाइक टू पॉसिबल डिटरमाइन द पीएच ऑफ ऑल सॉल्यूशन यूजिंग जस्ट वन इंडिकेटर सच इज लिटमस। तो लिटमस को सिर्फ यूज करके समझ ही रहे हो क्या डिमेरिट है सबका, हम लोग एसिड बेस नहीं पता कर सकते हैं कि नहीं? अब जैसे बताओ लिटमस पेपर तो आप खरीद के लाए, लिटमस पेपर आप खरीद के लाए, ठीक है, दो आपके पास सोल्यूशन है एसिड का, दोनों एसिड का है, दोनों क्या है, सुदर्शन, दोनों एसिड है, ठीक है, सुदर्शन दोनों एसिड है, लिटमस पेपर खरीद के लाए, दोनों में डालोगे दोनों एसिड है तो दोनों में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा या पिंक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो ये कैसे पता करोगे कि ये दोनों में ये स्ट्रांग है कि ये स्ट्रांग है, क्योंकि कलर तो ज्यादा दोनों की एक ही हो जाएगा, लगभग नहीं पता चल पाएगा ना, तो ये सब लिटमस के और इंडिकेटर्स के डिमेरिट है। तो उसका चेक करने के लिए दूसरा तरीका है, ठीक है, वो तरीका आपको नहीं जानना है अभी, हाँ, अब एकदम यहाँ पे चार्ट है कि किस कलर का लिटमस पेपर रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग को इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ इतना याद करना है कि एसिड में कैसा रहेगा और बेस में कैसा रहेगा, ठीक, हाँ, आप यहाँ पे देखो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ केमिकल्स दैट चेंजेस कलर थ्रू ए वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है,
वाइड रेंज में क्या करते हैं, दैट चेंजेस कलर थ्रू ए वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, जैसे जितने भी ये लिटमस ये सब है तो सब यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, तो हम लोग अब वो करते हैं, आप लोग का टाइम भी हो गया और ये खत्म भी हो गया, ये बाकी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ईच अदर जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं तो ये वाला बता दूंगे। तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन भी होता है, एसिड बेस क्या करते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, ये भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आप ही बताओ, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें एसिड डालो, क्या है ये बेस है। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया हूँ, चलो यहाँ पे एच सी एल है, ये क्या है, एसिड है। ठीक है, इसमें एक बेस डाल दो, एन ओ एच डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, तो क्या बन जाएगा, साल्ट बनेगा ये, उसका क्या नाम है, एन ए सी एल, जो आप लोग हम लोग खाते हो। ठीक है, और क्या बनेगा, पानी, समझ गया ना। हाँ, तो एसिड बेस का जब भी रिएक्शन होगा तो सॉल्यूशन के जो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। साल्ट इनका पीएच क्या होता है, जो साल्ट होते हैं, साल्ट का पीएच क्या होता है, साल्ट होते हैं जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं, न्यूट्रल साल्ट होंगे उनका पीएच क्या हो जाएगा, लगभग 7 के करीब होगा, ना एसिड होंगे ना बेस होंगे। ठीक है, तो एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और वो दोनों एसिड बेस रिएक्शन करके पानी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखो यही दिखाया गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एनओएच है, यहाँ पे एनसीएल बना है और H2O बना है, समझ गया ना। हाँ, इसमें क्या होता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। अच्छा, आकांक्षा आप अभी ज्वाइन की हो क्या, तो आप इतना लेट में क्यों आई, नहीं तो आप आया करिए। अच्छा, तो आप डेली आप आया कीजिए। ठीक है, हाँ, अभी इवनिंग में नेक्स्ट वीक से चलेगी, तो आप मॉर्निंग में डेली आया करो, मॉर्निंग में डेली चलता है ना, 9 बजे से आ जाया करो आप, 9 बजे से 10:15 बजे तक हम पढ़ाते हैं, 10 बजे तक रेगुलर। ठीक है, आपने वो नोट्स देख, तो सुदर्शन आप लोग को समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये वाला जो एसिड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो दोनों को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं, जो साल्ट फॉर्म्ड में बी सॉल्युबल इन वाटर और कैन बी इनसॉल्युबल, तो एसिड बेस के जो रिएक्शन से जो सॉल्व बनेंगे, जो साल्ट बनेंगे, सॉल्युबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर साल्ट क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको प्रेसिपिटेट बोल देंगे। ठीक है, साल्ट अगर इनसॉल्युबल होगा तो क्या, उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो इतना ही सिर्फ जानना है, तो आप देख सकती हो कितना चीजें पढ़ाया गया है, इतना ही आप लोग को पढ़ना है सिर्फ। ये वाला स्लाइड भी जो भी डेली पढ़ाया जाता है, तो डेली वाला पीडीएफ ग्रुप में जाता है या नोट्स में स्टडी मटेरियल में चला जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आप लोग